Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. Okay, today we are going to focus on active and passive voice. That what is active and what is the meaning of passive and how sentences are converted from active into passive and what are the rules for that. Aapka aaj day 29 hai and आज आपकी क्लास हो रही है और मैं कल भी आपकी क्लास लूंगी एंड टुमारो वी विल क्लोज द सेशन राइट सो एंड आई विल टेल यू द टाइम कि कल जो है आपकी क्लास वो किस टाइम पे होगी मोस्ट प्रोबेबली हम इसी टाइम पे आपकी क्लास कल भी अरेंज करें ओके सो व्हेन यू हैव टू लुक एट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको सबसे पहले वॉइस जो वर्ड है या जो वर्ब है वॉइस ऑफ द वर्ब क्योंकि वर्ब जो है वो आपका चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है व्हाट इज द वॉइस ऑफ द वर्ब द वॉइस ऑफ अ वर्ब कम्युनिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज परफॉर्म्ड और गॉटन द एक्टिविटी हैज परफॉर्म्ड और गॉटन और रिसीव्ड द एक्टिविटी वॉइस जो वर्ब की है सेंटेंस में मतलब जो रोल है वर्ब का वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब आपको कम्युनिकेट करता है वर्ब के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है या वो एक्टिविटी को रिसीव कर रहा है क्या वो परफॉर्म कर रहा है या वो रिसीविंग एंड पे है ये आपको एक्टिव और पैसिव का जो डिफरेंस है उसमें यही दो जो डिफरेंसेस हैं मेजर वो नजर आएंगे कि एक्टिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं और पैसिव में जो सब्जेक्ट या वर्ब है उसका क्या रोल है सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस इन इंग्लिश ग्रामर आई होप कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है अगर कोई इश्यू है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं So there are two types of sentences, active and passive. Okay, thank you so much. अच्छा जी, अब active voice जो है वो क्या होता है? When an activity performed by the subject is communicated by the action word, it is an active voice. Active voice में क्या होता है? कि subject जो है वो action perform करता है और subject के जो action की performance है वो वर्ब के थ्रू कम्युनिकेट होती है आपके एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और वो वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है जब के सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट इज द फोकस ऑफ अटेंशन तब ये एक्टिव वॉइस होता है डायनामिक वॉइस इज यूटिलाइज व्हेन मोर क्लियर कनेक्शन एंड ल्यूसिडिटी आर नीडेड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ड आपके जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो डायनामिक उनमें आवाज जो होती है उसमें जो वॉइस होती है सेंटेंस में वो डायनामिक होती है और वो क्लियर कनेक्शन आपका तब क्रिएट होता है ल्यूसिडिटी का मतलब भी क्लियर होता है बिल्कुल फ्लूएड की तरह फ्लुएंट फ्लो के साथ मीनिंग और कनेक्शन जो है वो आपको मिलता है जब सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड जो है वो एक साथ एक्टिव सेंटेंस में आते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसका मेन रोल होता है एक्टिव वॉइस में और वो जब वर्ब के साथ आता है तो आपको एक डायनामिक लाउड क्लियर आवाज आती है दैट इज द यू नो क्वालिटी ऑफ एन एक्टिव वॉइस कि उसमें जो मीनिंग होता है वो क्लियर लाउड डायरेक्ट डायनामिक आता है ठीक है पैसिव वॉइस में एक्टिविटी जो है कम्युनिकेट की जाती है एक्शन वर्ड से द एक्टिविटी कम्युनिकेटेड बाय द एक्शन वर्ड इज गॉटन बाय द सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है और एक्शन जो होता है वो मेन फोकस ऑफ अटेंशन होता है पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस इज यूटिलाइज्ड व्हेन द प्रैक्टिशनर ऑफ द एक्टिविटी इजंट नोन आप पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब एक्शन करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हमें नहीं पता होता प्रैक्टिशनर का मतलब है जो प्रैक्टिस कर रहा है मतलब जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है काम करने वाला दैट इज द सब्जेक्ट वो जो है उसके बारे में हमें नहीं पता होता एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द एक्टिविटी एंड नॉट द सब्जेक्ट
द फोकल पॉइंट जो मेन फोकस ऑफ अटेंशन होता है वो एक्टिविटी या वर्ब ने जो एक्शन किया, जो एक्शन होता है जो वर्ब के थ्रू किया जाता है उस पर फोकस होता है, सब्जेक्ट पे नहीं. एक्टिव वॉइस हमें बताता है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है फिक्सी पेंटेड द वॉल, अली कट द बर्थडे केक, मॉली बॉट अ न्यू फरी कैट. सो इसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्टिव हैं और वो एक्शन कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन. फिक्सी इज पेंटिंग, अली ही हैज कट द केक, मॉली शी बॉट अ न्यू फरी कैट. और एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है, वॉल केक और कैट. जो पैसिव वॉइस होता है उसमें what does the passive voice tell you? The passive voice tells you what is done to someone or something. What is done? Passive voice में क्या action हो रहा है और वो किस पर किया जा रहा है, क्या action किया जा रहा है वो आपका focus होता है. The subject is being acted upon. Action is the focus और subject के ऊपर action किया जा रहा होता है. तो हम एक्शन की तरफ देखते हैं. पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में था, सॉरी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है. एक्सचेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अपनी प्लेसमेंट सेंटेंस में इनकी जगह चेंज हो जाती है. द वॉल इज पेंटेड बाय फिक्सी. तो यहाँ पे जो फोकस है पेंटेड पे है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया है और फिक्सी जो है वो बिल्कुल सेंटेंस के एंड पे चली गई है, सब्जेक्ट जो है वो फोकस ऑफ अटेंशन नहीं है. द वॉल इज पेंटेड, द बर्थडे केक इज कट, अ न्यू फरी कैट इज बॉट. तो ये आपके वर्ब्स हैं. व्हाट चेंज डू यू सी? एक्टिव सेंटेंस में आप देखते हैं व्हाट सब्जेक्ट डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. पैसिव में फोकस जो है वो आपका एक्शन के ऊपर होता है और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, वो रिसीविंग एंड पे होता है. द वर्ब इज द एक्शन दैट हैपन्स टू द सब्जेक्ट. सो वर्ब बेसिकली वो एक्शन है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होता है पैसिव सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल Active sentence है, the meteor destroyed the city. Meteor subject है, destroyed आपका verb है, city जो है वो आपका object है. अब object जो है वो sentence के start में आ गया, the city was destroyed by the meteor. So city जो है उसके ऊपर action हो रहा है. What happened to the city? The city was destroyed. So destruction का जो action है वो subject receive कर रहा है पैसिव सेंटेंस. तो जो आपकी फॉर्मल राइटिंग होती है और इनफॉर्मल भी, इट इज नॉर्मली रिकमेंडेड बाय ग्रामेरियंस, बाय राइटर्स इन इंग्लिश. द बेस्ट वे टू कन्वे योर मैसेज इन अ क्लियर एंड कंसाइज वे इज दैट यू शुड यूज एक्टिव वॉइस इन योर राइटिंग. ऑलवेज स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट. Use a proper verb, and if you're using adjectives, the adjectives must be strong, the verbs must be strong, and do not start your sentence with a verb, or do not start your sentence with words that are unnecessary. For example, there, here, these, those, or jo ye words maine aapko pehle bhi bataye aur maine aapko vocabulary bhi di hai, very, a lot, so, too much, very much, ये words avoid करने हैं. ये generally मैं आपको अभी बता रही हूँ. Otherwise, you have to start your sentence with a clear subject. Okay. अच्छा जी, next, the boys caught several fish. Boys over here subject है, caught आपका verb है और fish object है. Converted into a passive sentence, fish sentence के start में आ जाएगा. Depending on the subject, if it is singular and plural, was या were आ जाता है, और caught जो है
अभी हम रूल्स आके देखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है आपके पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा, कोई भी टेंस हो जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और बॉयज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे सेवरल फिश वर कॉट, सो द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, कि फिश जो है वो एक्शन रिसीव कर रही है, फिश को पकड़ा जा रहा है। सो दिस इज हाउ अ पैसिव सेंटेंस वर्क्स। आपके कौन कौन से जो है टेंसेस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं? द रूल्स फॉर एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस आर गिवन हियर। Present simple, present continuous, perfect present, past simple, past continuous, past perfect, future simple and future perfect. The rules for an active and passive voice for different types of tenses are given here. So ये आपके जो है ना tenses हैं जो कि convert होते हैं, और ये वाले tenses जो है इनकी कभी passive voice जो है वो formation नहीं होती। Present perfect continuous, past perfect continuous, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर क्या कन्वर्ट नहीं होता, और प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, यू डू नॉट कन्वर्ट दीज, बिकॉज इनकी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कन्वर्ट होता ही नहीं, तो ये एक्टिव से पैसिव में नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो वर्ड्स जो चेंज होते हैं, सी हाउ द प्रोनाउन इन एक्टिव वॉइस हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। ये प्रोनाउंस किस तरह चेंज होते हैं, आई इन टू मी, वी into us, he into him, she into her, they, them, you remains you and it remains it. What are the basic rules for active and passive voice? These are the three basic rules. The subject becomes the object and object becomes the subject. ठीक है, ये आपके changes आते हैं इसमें। Use third form of verb such as is, am, are, was, were, been, being. ये आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। एक्टिव प्रोनाउन चेंजेस इनटू पैसिव, आई इनटू मी, जैसे मैं आपको लिस्ट दे चुकी हूँ, और पैसिव वॉइस जो है इन टेंसेस की नहीं है, और आप हमेशा पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बाय यूज करते हैं, बाय आपके सेंटेंस में एड हो जाता है। ये आपकी असाइनमेंट है, यू हैव टू कन्वर्ट दीज एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव, एंड कुछ इसमें सेंटेंसेस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में नहीं कन्वर्ट होते, उसके क्या रीजंस हैं? एक मेजर रीजन ये है कि जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना कंपल्सरी है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेंटेंस जो है पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकेंडली, जो मैंने आपको टेंसेस बताए हैं, future continuous, future perfect continuous and past perfect, और एक और tense है जो अभी हम दोबारा से देख लेते हैं, ये present perfect, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous. So हमने ये tenses cover कर लिए हुए हैं। जब आप इन sentences को देखेंगे, इसमें कुछ sentences ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो नहीं convert होना from active into passive because of these tenses. So you have to look into these sentences, try to convert them, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्टिव सेंटेंस को आपने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, एंड मैं आपको कल जो आपकी क्लास होनी है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। इफ देयर इज एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू कवर फॉर द लास्ट क्लास, यू कैन टेल मी एंड वील जस्ट वर्क ऑन दैट। कीप दिस मोटो इन योर माइंड दैट यस, यू कैन डू इट, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जब आप कुछ करने के लिए जो है अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं तो इट इज, इट बिकम्स, यू नो, द पॉसिबिलिटीज स्टार्ट टू, यू नो, ग्रो। आपके इर्द गिर्द पॉसिबिलिटीज, चांसेस, ऑप्शंस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं जब आप सोचते हैं कि आपने कोई काम करना है, ठीक है। सो कीप दिस इन योर माइंड, ये आपकी कुछ मोटिवेशनल जस्ट मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, विक्ट्री बिलोंग्स टू द मोस्ट परसेवरिंग। परसेवरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं फिर आप उस पर कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, पेशेंस के साथ कनेक्टेड रहें, स्टिक रहें, और
क्योंकि अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो इफ इन द एंड यू आर प्लानिंग टू रीच अ पॉइंट वेयर यू आर कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर यू वांट टू स्पीक इट विद अ फ्लो एंड विद एन एक्यूरेसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेडफास्ट रहें, आप अपने मिशन पे कायम रहें. Perseverance आपके अंदर develop होनी चाहिए, the will to do something, and then you have to stay consistent with patience. So inshallah ta'ala, आप जो हैं अपनी language को improve कर लेंगे. It's all about practice. Please submit your assignments in the WhatsApp group so that I can check them for you and you can get your feedback. Even after the session comes to an end, the WhatsApp group will stay active and we can communicate at any time, right? तो आज मैं इस सेशन को आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ क्लोज करूंगी. लेट मी जस्ट यू नो शेयर द साउंड. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो और ये आपको बेसिकली मोटिवेशनल ये वीडियो है दैट विल यू नो डेवलप अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन यू कि आप जो मिशन है आपका, जो भी आपका गोल है इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट. सो आई होप कि आपको वॉइस का, अगर वॉइस का कोई इश्यू हो तो प्लीज मुझे बताएं. Your dreams, your goals, your aspirations, your ideas, your thoughts, everything that you ever dreamed and imagined is trash without action. Tomorrow is where the lazy get up and put into action, but nobody in this room is lazy. One of the most expensive things that you will ever experience in your lifetime is a missed opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. You have an opportunity right now that you will never have. You better not lose this. This is an opportunity of a lifetime. Your grandma counting on you to do the right thing. Your mama counting on you. Your cousins, your brothers and sisters are counting on you to cash in on this opportunity. It's necessary that I live my dream, that I do my work, that I'm working constantly to express who I am. So that is all, and the video is basically telling you that if you have an opportunity in your hand, don't miss it. Make use of the opportunity that you have. आपके पास ये opportunity है, ये आपके पास एक golden chance है कि आप अपनी language को practice करने के लिए जितनी ज़्यादा assignments write करके share कर सकते हैं, आप share करें. Even when the session will come to an end, the WhatsApp group will stay active. Where at any time you can submit your assignment, you can write any on any topic, you can speak about any topic and record it, you can share a reading passage and share your ideas about it, you can listen to any content and share about that in the WhatsApp group, and I'm going to give you a feedback. Isse zyada opportunity jo hai wo aur kaun si ho sakti hai jisko aap avail karein apni English language ko improve karne ke liye. So this video is all that's telling you that if you have the opportunity in your hand, don't let it go. Or aap apni language ko improve karein, apne goal ko achieve karein, theek hai? So best of luck for your future. And tomorrow I'm going to see you in the next session. That is the last session of this course. Take very good care of yourself. Keep working hard. Listen to English, read English, speak about it, write about it. And you will definitely improve in a few days from now. That is all for this session. Stay happy and keep working hard. You're welcome, Mr. Abdul Ghafoor. Thank you and Allah Hafiz.